एनएचएम कर्मचारियों के उत्पीड़न का मामला अभी सुलझा नहीं है कि प्रदेश के चिकित्सकों ने पेन डाउन स्ट्राइक करने का अल्टीमेटम प्रदेश सरकार को दे दिया है। अनुबंध पर कार्यरत चिकित्सकों की सैलरी में 7600 की कटौती कर दी गई है। जो उन्हें नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिलता था, अब नए कॉन्ट्रैक्ट में नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस हटा दिया गया है, जिससे एक नया विवाद उत्पन्न हो गया है। जबकि भारतवर्ष में लगभग सभी राज्यों में सरकारी क्षेत्र में सेवाएं देने वाले चिकित्सकों को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस का प्रावधान है, प्रदेश के चिकित्सक भी मुखर हो गए हैं। क्या प्रदेश सरकार सर्विस कंडक्ट रूल्स में कोई परिवर्तन करने जा रही है? क्या कैबिनेट में इस पर कोई चर्चा हुई है या पूर्व के किसी विधानसभा सत्र में इस पर कोई चर्चा हुई है? सरकार प्रदेश को बताएं। क्या नवनियुक्त चिकित्सकों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति प्रदान की जा रही है या केवल यह एक पढ़े लिखे शिक्षित युवाओं के साथ रोजगार के नाम पर शोषण हो रहा है? अगर यही परिस्थितियां बनी रही तो प्रदेश में चिकित्सकों का अभाव हो जाएगा और दूर दराज के क्षेत्रों में चिकित्सक सेवाएं नहीं दे पाएंगे, वह अन्य राज्यों का रुख करना प्रारंभ कर देंगे। चिकित्सकों का अभाव पहले ही प्रदेश में है, फिर और बढ़ जाएगा। जो चिकित्सक बिना मूलभूत सुविधाओं के प्रदेश की जनता के प्रति लगन ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनका शोषण नहीं होने दिया जाएगा। जबकि हिमाचल प्रदेश के चिकित्सकों का भारत में एक विशेष उच्च स्थान है, जहां आज ऑर्थो के क्षेत्र में डॉक्टर राज बहादुर, कार्डिक सर्जरी के क्षेत्र में डॉक्टर महंत, आंखों के क्षेत्र में डॉक्टर जगतराम, मेडिसिन के क्षेत्र में डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, इनोवेटिक रोबोटिक सर्जरी में डॉक्टर विवेक ने बड़े आयाम हासिल किए हैं। चिकित्सा जगत में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इनका डंका बजता है। उस प्रदेश में चिकित्सकों को न्यूनतम दिहाड़ी वाले मानदेय पर रखा जा रहा है, जो अति दुर्भाग्यपूर्ण है। वर्तमान परिवेश में प्रदेश आपदा में उलझा हुआ है। ऐसे में चिकित्सकों का आक्रोश प्रदेश को एक नई आपदा में डाल सकता है। कांग्रेस सरकार के नेता व अधिकारी विषय को गंभीरता से क्यों नहीं लेते, ये अपने आप में प्रश्न है, जो राजनीतिक परिपक्वता के अभाव का साक्षात प्रमाण पत्र है। अहंकार, हठ, अज्ञानता से लोकतंत्र नहीं चलता। जनहितैषी मुद्दों पर चर्चा के लिए सरकार तैयार नहीं है। विधानसभा सत्र को टालने के लिए प्रायोजित कार्यक्रमों बनाए जा रहे हैं। आउटसोर्स कर्मचारी आक्रोश में है। सचिवालय के कर्मचारी अपने अधिकारों को लेकर चिंतित हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों का उत्पीड़न हो रहा है। युवा रिजल्ट न आने के कारण सचिवालय के दरवाजे पर हैं। मंत्री विभागों में लाचार हैं। प्रदेश के चिकित्सकों का भी पेन डाउन स्ट्राइक का अल्टीमेटम एक नई आपदा को निमंत्रण है। यह व्यवस्था परिवर्तन प्रदेश पर अभिशाप हो गया है। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kstreet।